गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, योर मैथ टीचर। टुडे यूनिट इज जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.3 यानी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमने क्या किए थे, सब्ट्रैक्शन किए और उनको क्या किया, चेक किया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का है ना, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, आपको क्वेश्चन है वो साथ में नहीं लिखने हैं। जो मीनिंग मैं यहाँ राइट कर रही हूँ उसी को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, मिस्टर कुमार विड्रॉल रुपीज 25,380 फ्रॉम हैज अकाउंट। मिस्टर कुमार ने अपने अकाउंट में से कितने रुपीज से वो विड्रॉल कर लिए, 25,380। ठीक है, उसके बाद में द इंटरनल अमाउंट इन हैज अकाउंट वाज रुपीज 40,890 यानी उनके इंटरनल जो अकाउंट था उसमें उनके कितने रुपीज थे, 40,890। ठीक है, फाइंड द बैलेंस आफ्टर द विड्रॉल, उनके द्वारा जो पैसे विड्रॉल करने के बाद में उनका जो अकाउंट था उसमें टोटल कितने जो बैलेंस था वो रहा है, यानी उनके पैसे निकालने के बाद में उनका कितना बैलेंस रहा है वो हमें बताना है। तो आप लिखो साथ में, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 वाला, तो साथ में आप लिखते रहो। पहले हम क्या लिखेंगे, जो मिस्टर कुमार है उनका जो इंटरनल अमाउंट है वो लिखेंगे। तो साथ में लिखो आप, अमाउंट, आवाज आ रही है ना, तो कितना अमाउंट है उनका टोटल जो रुपीज, कितने रुपीज है, 40,890 टोटल उनके जो अकाउंट था उसमें उसके कितने रुपीज है, 40,890। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने विड्रॉल कर लिए, कितने रुपीज विड्रॉल किए, तो हम लिखेंगे इफ मैम जी शाम नहीं आ रहा ब्लैक बोर्ड के अंदर, आप शाम नहीं आ रहे, यस मैम, बेटा क्लियर आ रहा है देखो, नो मैम मेरे को नहीं दिख रहा, आपको उसको रिफ्रेश कर अपने उसको फोन को, ठीक है ना, अब देखो, यस मैम, विड्रॉल अमाउंट उन्होंने कितने विड्रॉल कर लिए, 25,380 क्या कर लिए उन्होंने, विड्रॉल कर लिए, यानी उन्होंने अपने अकाउंट में से कितने रुपीज उन्होंने निकाल लिए। फिर क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द बैलेंस आफ्टर टू विड्रॉल, यानी विड्रॉल करने के बाद में, मैडम क्या कर रहे, विड्रॉल करने के बाद में उनका जो बैलेंस है वो कितना रहा, हम लिखेंगे देन बैलेंस आफ्टर विड्रॉल है ना, उनके पैसे निकालने के बाद में जो अमाउंट है वो कितना रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे इनका, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, 9 में से 8, 1, 8 में से 3, 8 में से 3 रहेंगे कितने रहेंगे हमारे, 5, तो यहाँ क्या रहेगा हमारा, 5, उसके बाद में यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, तो ये क्या है, 0 में से 5 जाएगा, इसमें से कट होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट है, तो अब इसको पहले हम ग्रेटर बनाएंगे, यानी इसको कैरी देगा, ये बन गया हमारा 10, और यहाँ पे 1 डिजिट क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, कम कर देंगे, तो 5, 10 में से 5 गया कितना रहेगा हमारा, 5, और यहाँ पे 3 में से 2, 1,
तो उनके पास जो अमाउंट है वो कितना रह गया, 15,510 है ना, 15,510। राइट करो बेटा इनको अपनी नोटबुक में। अब क्वेश्चन है, देयर वर 42,681 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स इन कोल्ड स्टोरेज। स्टोरेज में जो एप्पल्स है वो कितने रखे हुए हैं, 42,681। आउट ऑफ दिस 1,240 बॉक्सेस वेर सेंट टू डिफरेंट फ्रूट सेलर। और फिर उसके अंदर से जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो एप्पल रखे हुए थे बॉक्सेस थे, उसमें से 1,248 जो थे वो फ्रूट सेलर को उन्होंने दे दिए। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स वर लेफ्ट इन कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज में उन्होंने जो फ्रूट रखे हुए थे वो उनके पास टोटल कितने रह गए। तो हम लिखेंगे पहले फोर वाले में, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स यानी टोटल कितने बॉक्स थे उनके पास में, 42,681 थे, ठीक है। उसमें से उन्होंने जो फूड सेलर को उन्होंने कितने दे दिए, इफ नंबर सोल्ड बॉक्सेस कितने हो गए, यानी 1,248 उन्होंने क्या दे दिए, फूड सेलर को दे दिए। अब उसमें उनके पास टोटल कितने रह गए, तो लिखेंगे देन देन नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ लेफ्ट बॉक्स, ठीक है। लेफ्ट यानी उनके पास में टोटल बाद में कितने बॉक्स रह गए, तो क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी वन में से एट क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या देगा, कैरी देगा, तो ये बन गए हमारे 11। और यहाँ पे वन डिजिट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी एट का क्या बन जाएगा यहाँ पे 7। तो 11 में से हमें किसको कट करना है, 11 में से 8 को कट करेंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे 3। यहाँ क्या रहेगा हमारा 3। अब यहाँ पे 8 तो कट हो गया क्योंकि उसने उसको कैरी दे दी। अब क्या रहेगा हमारा 7। अब 7 में से किसको कम करना है हमें, 4 को, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 4 को कम किया तो कितने आ गए हमारे 3। और यहाँ पे 6 में से 2 4 और 2 में से 1 बार उसके बाद में 4, तो उसके पास कितने रह गए, 41,433। एक बार वापस देखो, पहले क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो बॉक्सेस उनके टोटल नंबर हमने लिखे 42,681। उसके बाद में इफ नंबर सोल्ड बॉक्सेस आर, उन्होंने जो कितने बॉक्स थे वो उन्होंने सेल कर दिए, तो वो कितने थे, 1,248, ठीक है, सेल कर दिए। उसके बाद में देन नंबर ऑफ लेफ्ट बॉक्स, अब उसके पास में जो लेफ्ट बॉक्स, जो टोटल बॉक्स थे वो कितने रह गए, तो कितने रह गए हमारे 41,433। लिखो साथ में बेटा इनको, अब 5 में देखो, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ट्रॉफीज प्रोड्यूस 43,217 ट्रॉफीज इन ए वीक। एक मैम शायद पता लगा ये मीटर पर कोई चर्चा भी हुई तो बता दग विद्या बाहर तो चर्चा होगी मीटर पर। उसके बाद में द फैक्ट बेटा कमल उठे उनको चर्चा हुई डिस्ट्रीब्यूट 28,415 ऑफ देम इन डीलर्स, हाउ मेनी ट्रॉफीज वर रिमेनिंग इन द फैक्ट्रीज। फर्स्ट का हुआ आपका, नो मैम। अब लिखो आप सेकंड,
सेकंड का हो गया। ओ मैम टोटल ट्रॉफीज आर टोटल ट्रॉफीज कितनी है टोटल ट्रॉफीज उनकी टोटल नंबर ऑफ ट्रॉफीज तो 43,217 ठीक है। टोटल ट्रॉफीज कितनी है 43,217। इफ उसमें से उसने कितनी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 28,000। ठीक है और डिस्ट्रीब्यूट कितनी की उसने 28,415। द रिमेनिंग ट्रॉफीज आर यानी उनके पास में जो ट्रॉफीज है वो कितनी रह गई then remaining trophy ठीक है। अब देखो सेवन में से आपको किसको कट करना है फाइव को तो क्या आएगा टू वन में से वन जीरो फिर टू में से फोर लेफ्ट होगा नहीं लेस नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे ट्वेल्व और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टू तो ट्वेल्व में से फोर तो कितने रहेंगे हमारे एट तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा एट फिर टू में से एट नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा ट्वेल्व और ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री फिर ट्वेल्व में से एट को किया तो क्या आ गया हमारा फोर और यहाँ थ्री में से टू यानी वन तो उसके पास कितनी ट्रॉफीज रह गई 14,802 अब सिक्स में देयर वर 56,325 बैग्स ऑफ व्हीट इन FCI Godam. Out of these 18,469 bags were issued for public distribution. How many bags left in Godam? Ma'am, sir, please. अब लिखो फाइव सिक्स का टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग टोटल नंबर ऑफ
बैक बीट, ठीक है। कितने बैग्स थे टोटल हमारे? 56,325। इफ यू इश्यूड, यानी उन्होंने इश्यू कर दिए, उन्होंने दे दिए, बैग्स ऑफ कितने किए? 18,469। देन लेफ्ट बैग आर, तो यहां लिखेंगे देन लेफ्ट बैग आर। अब देखो यहां पे 15 में से हमें क्या करना है, 9 को कट करना है, ठीक है। 15 में से क्या करेंगे, 9 को कट करेंगे, तो ये हो गया हमारा 15। और यहाँ पे वन नंबर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी 2 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 1। तो 15 में से 9 को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। तो यहाँ हमने लिखा 6। अब 1 में से जो 6 है वो लेस होंगे नहीं, तो ये क्या देगा, इसको कैरी दे देगा, तो ये क्या बन गया हमारा 11। अब 11 में से हमें 6 को क्या करना है, लेस करना है, तो कितने रहेंगे हमारे 5। तो यहाँ हमने लिखा 5 और यहाँ पे इसने कैरी दी, तो 3 का क्या बन जाएगा यहाँ पे 2, क्या बना 2। अब 2 में से 4 क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा फिर इसमें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब इसमें से क्या करेंगे, एक कैरी लगा देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा 12। अब 12 में से हमें किसको कम करना है, 4 को, तो यहाँ क्या रहेगा हमारा 8, तो यहाँ पे हो गया 5। अब देखो 5 में से 8 लेस होगा नहीं, फिर इससे कैरी लेगा, ये बन गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा 4। यानी 15 में से 8 गया, क्या रहेगा 7, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 1 यानी 3, तो टोटल जो वीट के जो बैग थे वो कितने रह गए उनके पास में, 37,856। कितने रह गए, 37,856। आप हमारा 7 का देखो, सिक्स तक आया समझ में ऑल स्टूडेंट को, सिक्स तक आया क्या बेटा आप लोगों को, बुक में कॉपी लिखी हुई है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, देखो लैंग्वेज वाले हैं, पेज नंबर देखो, मैम पेज नंबर कितना, 23 पे है पेज नंबर, मैम 23। प्ले ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्रिकेट मैच, यानी 62,413 पीपल्स थे वो मैच को देखने गए, ठीक है। फर्स्ट आवाज कहाँ से आ रही है, 1572 इंडिया एंड इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है उसको देखने गए, फर्स्ट डे में कितने लोग गए थे, 62,413, ठीक है। ऑन द सेकेंड डे द नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज टू 72,461। और फिर सेकेंड डे कितने पीपल गए देखने के लिए, उसमें कितने इंक्रीज हो गए जो दर्शक थे वो 72,461। फाइंड द इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, जो दर्शक थे उनके जो वो नंबर थे वो कितने इंक्रीज हुए, है ना। पहले तो इतने थे, उसके बाद में 72,000 थे, अब उसमें लिखेंगे हम
राइट करो बेटा आप साथ में। मैं लिखना है क्या? यस ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, कितने थे? Sixty-2,413। ठीक है, अब है सेकेंड डे। सेकेंड डे कौन कितने गए? बेटे कम कर दो। सेकेंड डे कितने थे हमारे? 72,000। ठीक है, अब इंक्रीज यानी और कितने बढ़ गए? फर्स्ट डे तो इतने गए थे, उसके बाद में सेकंड डे इतने चले गए ना। अब हम क्या करें इंक्रीज करने की, सेकंड डे कितने लोग जो है वो ज्यादा आए देखने के लिए मैच, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो कितने लोग इंक्रीज हुए तो लिखेंगे हम72,461 - 62,413। तो वन में से थ्री जाएगा नहीं तो क्या हो गया यहाँ पे 11। 11 में से थ्री तो कितने हो गए हमारे? एक। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? फाइव। तो फाइव में से वन तो यहाँ हो गया फोर। जीरो, टू में से टू, फिर सेवन में से वन, वन में से सिक्स हो गए वन। कितने लोग इंक्रीज हुए? 1,000, 10,048। अब एट वाला है, कुनार नीड एट दिस टू 20,000 पॉइंट्स टू पॉइंट टू गो टू लेवल टू इन ए वीडियो गेम, है ना। वीडियो गेम में उसने कितने जो पॉइंट्स किए हैं? 20,000। ही हैज ओनली 254 पॉइंट्स। हाउ मेनी मोर पॉइंट्स डज द नीड नाउ टू रीच द लेवल सेकेंड, यानी लेवल सेकेंड तक पहुंचने के लिए उसने कितने और करने हैं? तो लिखेंगे हम, यानी उसको 20,000 चाहिए, उसने कितने के लिखे आपने? सेवन का। अब लिखो आप एट का। Needed points 20,000। इफ कुणाल ने कितने बनाए हैं? 254। ठीक है, कितने बनाए उसने? 254 उसने क्या बनाए हैं फर्स्ट लेवल में, तो उसको कितने बनाने हैं? देन ही नीड नाउ टू रिच तो यहां पे हम लेस करेंगे
तो ये क्या हो गया हमारा 10, ये बन जाएगा 9, ये 9, और यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से हमें क्या करना है, 4 को लेस करना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद में 10 में से 5, तो कितने हो गए हमारे 4, 9 में से 2, तो 9 में से 2 हो गए 7, और यहाँ पे 9 and 1, तो उसको कितने बनाने हैं 19,746। आया समझ में और स्टूडेंट को, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है उनको, तो यहां लिखेंगे हम पॉइंट्स, यहां डाल दो आप। तो ये आपको, अब यहां पे आपको ये जो 8 तक है वो क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो 9 का क्वेश्चन है उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, यानी नीचे वाला जो क्वेश्चन है 9 का, उसमें आपको क्या करने हैं, ओनली सब्ट्रैक्शन करने हैं, जो भी आपको शॉर्टकट मेथड लगे उससे। आया समझ में स्टूडेंट को। अब एक्सरसाइज 2.3 में 3 से लेके आपको 9 तक आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है।